का वह सुन्नत करवाई दिलक मोर सेवा के पास वह लगे मुख्य दिक्कत हो गई। आपका बच्चा कितने साल का है? 8 साल। कौन सुन्नत करा दिया? मोर घर वाली। और कौन कौन थे उसमें शामिल? छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 8 साल के बच्चे का उसी के नानी के द्वारा धोखे से खतना करा दिए जाने का मामला सामने आया है। पिता चित्रंजन सोनवानी ने थाने में शिकायत की है कि उसकी पत्नी, सास और ससुराल के अन्य सदस्यों ने भी उस बच्चे को धोखे में रखकर सुन्नत करवा दिया। इसके साथ ही उसने बच्चे का धर्मांतरण करवा कर उसका नाम शमशाद रख दिया। इस मामले में बच्चे का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहा है कि उसके नानी और नाना उसे मेला दिखाने के बहाने लेके गए थे, जहां जाकर उसका सुन्नत करा दिया गया। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि ग्राम सन्ना नागर टोली निवासी चित्रंजन सोनवानी हिंदू धर्म के घासी समाज का है। उसने पिछले करीब 10 से 12 साल पहले डूमर कोना के हरा डिपा गांव की एक मुस्लिम महिला से लव मैरिज करते हुए हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। दोनों हिंदू रीति रिवाज से अपना जीवन यापन कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले साल नवंबर में जब उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके गई तो वहां उसकी माँ और मायके वालों ने उसके बेटे का खतना करवा कर इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया। मायके से वापस लौटने के बाद जब बच्चे के पिता को इस बात की जानकारी हुई तो मामला बिगड़ गया। यह भी बताया जा रहा है कि पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए अपने पूर्व में भी कई बार प्रलोभन दिया गया था। इसकी खबर पिता और समाज को लगी तो सन्ना में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी हो गया। आक्रोशित समाज के साथ बच्चे के पिता ने थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आगे कहा गया है कि मेरे बड़े पुत्र सौरभ सोनवानी उम्र 8 वर्ष को मेरी बीवी रेशमा बेगम द्वारा मायके ले जाकर एवं मायके पक्ष के कुछ लोगों के साथ मिलकर माह नवंबर में आस्था शहीद ले जाकर वहां से अम्बांतपुर ले जाया गया और वहां मेरे पुत्र को मेरी मर्जी के खिलाफ इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कराने का उद्देश्य से उसका खतना कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे बाद में हुई। मेरे ससुराल वालों के द्वारा मेरे विवाह के पश्चात से मुझे लगातार इस्लाम धर्म स्वीकारने का दबाव बनाया जा रहा था। इस हेतु मुझे कई प्रलोभन भी दिए जाते रहे हैं, जिसमें पिकअप गाड़ी देने की बात कही गई थी, लेकिन मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल तैयार नहीं था और नहीं हूँ। इस कारण मेरी बीवी रेशमा बेगम और उसके मायके पक्ष भाई वगैरह मिलकर मेरे नाबालिग पुत्र सौरभ सोनवानी का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करा दिया। शिकायतकर्ता पिता ने इस मामले से पुलिस प्रशासन को जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपील की है। मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को फंसाने के और धर्मांतरण के आए दिन मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस मामले में एक महिला, वो भी बच्चे की माँ, उसके अपने 8 साल के बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्लाम में कन्वर्ट करवा रही है। चाहे पुरुष हो या महिला, कन्वर्ट हमेशा हिंदू को ही करवाया जाता है। इस मामले में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।